नमस्कार, मैं हूँ सौम्या जैन। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उन्नाव सफीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम ओसिया थाना सफीपुर के रहने वाले विक्रम कनौजिया, जो कि ओमान में एक लॉन्ड्री का काम करते थे, अचानक मृत्यु हो जाने के कारण लॉकडाउन के चलते हुए ओमान से उनका पार्थिव शरीर नहीं आ पा रहा था। इसी कड़ी में उन्नाव के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष व कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने ठान लिया कि उनके पार्थिव शरीर ओमान से भारत लाना है और उनकी पार्टी ने लगभग 2.5 लाख रुपया खर्च करके विक्रम कनौजिया का पार्थिव शरीर कोरियर के माध्यम से भारत लाया गया और लगभग 11 बजे रात में सफीपुर के ग्राम ओसिया थाना सफीपुर में उनके परिवार को सौंप दिया गया और आर्थिक मदद भी की गई। लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसी मुसीबत की घड़ी में इसी परिवार का साथ देना बहुत बड़ी मदद है। ऐसे में हम सबको चाहिए लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का साथ दें। उन्नाव की गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए फिर एक बार इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है। शुक्रवार की रात्रि 11:30 बजे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के खर्चे पर ग्राम ओसिया थाना सफीपुर के विक्रम कनौजिया ओमान की एक लॉन्ड्री में काम करते थे, जिसकी मृत्यु 20 मार्च को ओमान में हो गई थी, जिसकी लाश को भिजवाने के लिए केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर ओमान से मृतक के भाई ने संपर्क कर मदद मांगी तो मुस्लिम लीग के लोकसभा सांसद पीके कुन्हाली कुट्टी ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर एवं आर्थिक प्रयासों से मृतक विक्रम कनौजिया की लाश उनके आवास ग्राम ओसिया थाना सफीपुर लेकर उन्नाव मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद पहुंचे। मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए मोहम्मद अहमद व काशिफ नेता ने 5,000 की आर्थिक मदद नगद की एवं दिल्ली से एम्बुलेंस से लाश को लेकर पहुंचे एम्बुलेंस के ड्राइवर को उन्नाव मुस्लिम लीग के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने 18,000 रुपए किराया नगद दिया एवं परिवार को भी आगे हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। विक्रम कनौजिया की लाश लेकर उनके गांव तक पहुंचाने वालों में मुख्य रूप से काशिफ नेता जहीर अब्बास, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद जाबिर, नफीज अहमद, दिलशाद अहमद आदि लोगों ने पहुंचकर परिवार को सांत्वना अर्पित की। उन्नाव जिला ब्यूरो मोहम्मद जमाल की रिपोर्ट। ये मिलवाते हैं उन्नाव की एक अजीम शख्सियत मोहम्मद अहमद साहब, जो कि गरीबों के मसीहा हैं और उन्नाव कब्रिस्तान के कमेटी के जिलाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने एक लॉकडाउन के चलते हुए उन्नाव के सफीपुर नगर पंचायत के क्षेत्र के ग्राम उसिया में एक विक्रम कनौजिया की डेथ हो गई थी ओमान में, जो इन्होंने वहां से लाश मंगाई है और किस तरीके से मंगाई चलिए इनकी जुबानी से सुनते हैं। मोहम्मद अहमद साहब बताइए, आपने कैसे उनकी लाश उनके घर वालों तक सौंपा? उसिया गांव में उनकी बीवी का नाम विमला था, उनके पासपोर्ट में थोड़ा फर्क था और आप ये जानते हैं लाश लाना संभव नहीं था, इसलिए पूरे भारत में डाउनलोड है यहाँ पर एकदम, जबकि उन्नाव से कानपुर लाश जाना संभव नहीं है, ओमान से मंगवाने के लिए। वो बेचारे बहुत गरीब आदमी थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनका फ़ोन मेरे पास आया, हमने अपने सांसद से संपर्क किया और हमारे इंडियन उन्हें मुस्लिम लीग के सांसद हमें कुट्टी साहब ने उनका पूरा खर्चा बेयर किया। ओमान में जो आपके दूतावास था उनसे संपर्क किया, दूतावास से संपर्क करके जो कोरियर का जो खर्चा था वो हमारी पार्टी ने बेयर किया और ओमान से लेकर के आपके दिल्ली तक हमारी पार्टी के सांसद ने खर्चा उठाया और उसके बाद 18,000 रुपये हमने जो एम्बुलेंस का खर्चा उठाया। जब उनके घर गए तो देखा अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास हालात ठीक नहीं है, तो 5,000 रुपये दिया हमने और उनके लिए सोच रहे हैं। इस टाइम माहौल जो लोग हिंदू मुस्लिम जो फैला रहे थे ये उसकी एक मिसाल है। हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के लिए काम करते रहते हैं, हमारे दिल में कहीं ये बात नहीं है, हमारे पास तमाम लाशें आती हैं हिंदू की भी मुस्लिम की भी, कभी ऐसा नहीं हुआ है हम हिंदू करें मुस्लिम करें, पहले हम मानव हैं। हमने जो काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया, ये मानवता के नाते किया, ना कि हिंदू मुस्लिम के लिए किया। ऐसे कितने लोग हैं इसमें, 1 लाख पे 2.5 लाख रुपए खर्चा आया के लिए आपके फ्लाइटें सब बंद हैं, कोरियर से लाश आई है,
आप जानते हो कोयले की लाश में कितना खर्चा हो, जबकि सारी फ्लाइटें बंद हो, संभव नहीं है, इतनी बीमारी फैली हुई है, उसके बावजूद लाश उनके घर तक ला के दिया। इसलिए उन्होंने कहा था उनकी आस पूरी छूट गई थी, उनकी बीवी की ये उम्मीद थी अब लाश नहीं आ पाएगी। हमने कहा मेहनत कर रहे, इंशाल्लाह हम लाश को लाएंगे, और लाश को लाने के लिए हमारे काशिफ भाई ने भी बहुत ही सहयोग किया, हमदर्दी की, रात में 11 बजे लाश को पहुंचाया, इनका बहुत ही सहयोग रहा उसमें। तो हमारे जो साथी हैं वो उन्होंने हमारी मदद किया, हम उनके मतलब उनके एहसानमंद भी हैं, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।